क्या आप लोग मेरी तरह 5 घंटे कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे भाई हम लोग तेरी तरह नहीं है जो हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे, लेकिन आई वॉज एक्साइटेड टू वॉच क्राइम सीन द वैनिशिंग एट द सीसीएल होटल, जिस पर मैंने एक हफ्ता पहले एक वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करना, एटलीस्ट इस डॉक्यूमेंट्री से पहले वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि जो आपको यहाँ पर 4 घंटे में देखने को मिलेगा वो वहाँ पर मैंने 8 मिनट में बताया, और इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री में बस आपको थोड़ा बहुत और जानने को मिलेगा उस पर्टिकुलर सीसीएल होटल के बारे में, उस एलिजा लैम के इंसिडेंट के बारे में, और LA के बारे में यानी उस होटल के आजू बाजू जो एरियाज है उसके बारे में जानने को मिलेगा। और मॉरल ऑफ द डॉक्यूमेंट्री ये है जो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, आप लोग खुद देख लेना अगर आपके पास 4 घंटे रहेंगे तो। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरी डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम था सीक्रेट्स ऑफ सिनोली, इसके बारे में मैं ज़ीरो एक्साइटेड था, एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं थी और मैं देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन हमारे इंडिया में इस तरीके की चीज़ें मिलना, और ASI की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और चैरियट, आज से पहले हमारे इंडिया में कभी भी खुदाई में चैरियट नहीं मिला था, लेकिन सिनोली में हमें हमारे इंडिया का पहला चैरियट मिला, साथ साथ वहाँ पर स्वॉर्ड मिली, शील्ड मिली, और एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में पता चला जिसके बारे में अभी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं मिली, लेकिन जिस तरह की चीज़ें वहाँ से बरामद हुई इससे एक चीज़ तो पता चलती कि वहाँ पर जो लोग रहते थे वो लोग वॉरियर्स थे। अब वो लोग लड़ते किससे थे या उनके सिविलाइजेशन में और क्या कुछ चीज़ें थी वो हमें आगे पता चलेगी, लेकिन फिलहाल ये 1 घंटे के एपिसोड में हर एक चीज़ को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और जिस तरीके से एनिमेशन कर करके चीज़ें बताई है ना वो किसी ट्वीट से कम है नहीं। और साथ साथ यहाँ पे हमें मनोज वाजपेयी के थ्रू जो नरेशन सुनने को मिलता है यार वो तो आपको उस दौर में लेकर चले जाता है। मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि हमारे इंडिया में भी इस तरीके के लोग थे जो मतलब अपने वक्त से कहीं ज़्यादा आगे थे। हम लोग हमेशा इजिप्ट के लोगों की या दूसरे लोगों की तारीफ़ करते कि भाई वहाँ की सिविलाइजेशन ऐसी थी, उनके पास ये सारी चीज़ें थी, लेकिन जब बात हमारे इंडिया की आती है तो इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जब हम लोग इस तरह की डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि यार नहीं, हमारे इंडिया में भी जो रहते थे लोग वो लोग भी किसी से कम नहीं थे। और आप लोग यकीन मानो जब आप लोग डिस्कवरी प्लस की ये डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार अगर उन लोगों ने एक तलवार भी बनाई तो तलवार को भी कितनी बढ़िया तरीके से बनाया, और उसको जिस तरह से उन लोगों ने कॉपर का यूज़ किया है मतलब वो सालों साल तक ख़राब ना हो, ये इमेजिनेशन ही अपने आप में कितना नेक्स्ट लेवल है। बस मैं आपको इतना बोलूँगा ये वीडियो के थ्रू कि अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हो तो भाई क्राइम सीन द वैनिशिंग एट द सीसीएल होटल से जितना हो सके दूर रहो। जो एक्सपेक्टेशन से आप देखोगे पूरी तरह से निराश हो जाओगे, कुछ भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी जो आपको पहले नहीं पता होगा। और अदर हैंड अगर आपको सीक्रेट ऑफ सिनोली के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भाई ज़रूर एक बार देखो, मज़ा नहीं आया तो बताना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।